हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल टैरो। और यू आर हियर विद मी सुष्मिता, योर टैरो रीडर। आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक शादी को सक्सेसफुल बनाती हैं। वो पांच चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिनको आप ट्राई करें, टेस्ट करें, ढूंढें अपने रिलेशनशिप में, और यू कैन सी द साइंस कि ये एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म शादी की निशानियां हैं। बहुत सारी चीजें जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, छोटे छोटे ये क्लूज होते हैं जो आपको आइडिया देंगे। अगर इन पांच चीजों में से कोई तीन चीजें भी सही चल रही हैं, दैट मीन्स आप एक बहुत ही ब्लेस्ड रिलेशनशिप में हैं, आप एक बहुत ही अच्छी शादी में हैं। आप इसको कंटिन्यू रखें एंड एफर्ट्स डालें ताकि वो इसी इक्वेशन पे बनी रहे। एक एक करके हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी काउंसलिंग वीडियोस, रिलेशनशिप वीडियोस, टैरो रीडिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स, लाइव रीडिंग्स, बहुत कुछ हम यहाँ डिवाइन बबल पे करते हैं ताकि आपकी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और खुशहाल बना सकें। ओके, तो अब जल्दी से चलते हैं, जानते हैं वो पांच पॉइंट्स क्या हैं जो आप अपनी शादी में ढूंढें। याद रखिएगा, ये पांच पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक नोटबुक साथ में लेकर ज़रूर बैठिएगा जहाँ पर आप इनको नोट डाउन कर सकें, या तो इस वीडियो को ही सेव कर लीजिएगा और जो चीज़ें आपकी लाइफ में डे टू डे होती हैं उनको लिखिए और सोचिए, यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करना, तो आपको इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा होगा। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, रोज की लाइफ में हम कितने बिजी हैं। आजकल दोनों जो है, हस्बैंड वाइफ, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही नौकरी करते हैं। हो सकता है कि आपकी भी प्राइवेट जॉब है या उनकी भी प्राइवेट जॉब है, या कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, या तो बिजनेस है। इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अपना काम है, अपनी फैमिली है, फिर उसके बाद पर्सनल नीड्स भी हैं। देन अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो आपके बच्चे हैं, नहीं तो आप दोनों ही आपस में बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी ना, टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, दिन के 24 घंटे में से 8-10 घंटे काम में, बाकी टाइम खाने पीने में, सोने में, रिलैक्स करने में, दोस्तों के साथ या कोई भी चीज़ में, ठीक है, बीत जाता है। लेकिन वो रिलेशनशिप जिसमें आप, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, दैट इज़ वेरी प्रेशियस। यानी कि आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं। इनिशियल ईयर्स में ये सब कुछ बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप की एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में ये वाला फैक्टर टिक होता है, यानी कि आप एक दूसरे को टाइम देते हैं, निकालते हैं अपने बिजी स्केड्यूल से, देन यू आर वेरी वेरी लकी। ठीक है, और ये है हमारा फर्स्ट साइन एक सक्सेसफुल शादी का, एक अच्छी रिलेशनशिप का। अगर आप शादीशुदा नहीं भी हैं तो एक अच्छी रिलेशन का जो फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो सकती है, उसका ये साइन है। ओके, अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। वो क्या दूसरी चीज है? ओके, आप अपनी लाइफ में से बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरते हैं। हो सकता है कि बहुत टफ दिन रहा, मान लीजिए काम पे बहुत टफ दिन रहा, किसी दोस्त के साथ अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, या आपका जो गोल सेट किया है ना वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये सब चीज़ें भी आती रहती हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको जेन्युइनली एनकरेज करते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी मुश्किल हो, लोग बोल रहे हैं कि तुम ये कैसे कर पाओगी, सपोर्टिव नहीं है एनवायरनमेंट, तब भी वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, नहीं तुम ये करो, तुम्हें पसंद है, तुम ये करो, तुम ये कर सकती हो।
या तुम ये कर सकते हो। तो ये एक जो पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम है उनकी तरफ से आना, चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, दैट इज अनदर अगेन वेरी गुड एंड वेरी बिग साइन जो एक रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनाता है। ओपिनियंस तो सबके होते हैं, हो सकता है कि उनको भी और चार लोग बोलते हों कि नहीं ये तुम लोग क्या कर रहे हो मिलके, या फिर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बट स्टिल दे विल टेक अ स्टैंड फॉर यू कि नहीं जो वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं एंड दे कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड साइन दैट दे बिलीव इन यू एंड आपको इनकरेज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे पार्टनर का होना इज अ ब्लेसिंग। बहुत सारे लोगों के लिए मैं टैरो करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आई फील कि एक रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, वो तीसरी क्या बात है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम ऐसे पार्टनर से मिलते हैं या आपके आपके स्पाउस जो है, ऐसा हो सकता है कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें वो ऐसा बोल देते हैं जस्ट फॉर सेइंग, है ना। आप अभी ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आपको एनकरेज करते हैं, आप ये सोचोगे कि एनकरेज तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो एक्चुअली में मुझे सपोर्ट करते हैं, या फिर डीप डाउन यहाँ पे बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, मुझे ऐसा फील नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्ड्स तो आ रहे हैं, बातें तो कही जा रही हैं सपोर्ट की, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि आप हर्ट ना हो जाए इसलिए वो बोल तो रहे हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, लेकिन जो उनके एक्शन से उससे मैच नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत ही फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत ही डिफरेंट कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी नौकरी छोड़ के यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपके पार्टनर कहते तो हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम में टैलेंट है, तुम में यू हैव दैट स्पार्क इन यू, लेकिन जब वो काम करने की बात आती है तो दे विल दीज क्वेश्चंस आगे कि अच्छा तुमने कहा तो कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन फिर हमारा जो बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे मीट होंगे, लोग क्या कहेंगे, वेरी कॉमन थिंग, लोग क्या कहेंगे, उनके सामने मैं क्या बोलूँ, मुझसे लोग ऐसा पूछेंगे, मुझे शर्मिंदगी फील होती है तुम्हारी वजह से। पहले तो कहा कि ठीक है तुम कर सकते हो, तुमको पॉजिटिव सपोर्ट दिया, आपको पॉजिटिव सपोर्ट मिला, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग इट वो घबरा जाते हैं। यानी कि उनके एक्शंस उनके वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वो कह रहे हैं उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच करें। अगर वो मैच हो रहे हैं तो समझ जाओ मेरे डियर व्यूअर्स, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी चैलेंज उठा सकते हैं। कनेक्शन बहुत डीप है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे, और वो नेक्स्ट बात क्या है। मान लीजिए कि आप दोनों मिलके कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि किसी से कुछ बात करनी है दोनों को मिलके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं ले रहे हैं, मतलब दोनों ले रहे हो इकट्ठे, इस सिचुएशन में आप दोनों जो है एक्शन ले रहे हो, दोनों आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी काम हो सकता है, जैसे घर का कोई भी छोटा मोटा काम भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ घर में नया सामान खरीदना, या फिर कहीं पे कोई भी फंक्शन अटेंड करने जाना, या किसी से एज अ कपल बात करना, एज अ ग्रुप बात करना, एज ए फैमिली यूनिट बात करना। एंड इस केस में वो खुद बात करेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई गलती हो जाए तो आपके ऊपर डाल देंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि अपनी बात का ब्लेम आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो अपनी बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जो कि उनको लेनी चाहिए, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन। जो कहा अपनी बात का स्टैंड लेना, अपनी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अगर आपको किसी डायरेक्शन में भेजा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल,
तो वो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड दे टेक अ वेरी डीप स्टैंड फॉर इट पूरा. इनफैक्ट अगर कोई पूछे तो दे विल टेल देम कि ये मेरा भी डिसीजन था, मैंने भी कहा था सिर्फ दूसरे पार्टनर के ऊपर अकेले में ना छोड़ दें, दैट इज देयर. एंड अब चलते हैं वीडियो के फाइनल पॉइंट पे, विच इज सब कुछ करने के बाद भी क्या वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. कॉम्प्रोमाइज इज द बेस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशन. अगर आपकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में कि आज क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, छोटी छोटी चीज़ें इनके ऊपर चल रहा है कॉम्प्रोमाइज. और बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं टाइम्स, जैसे कि कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट या फॉरेन वेकेशन, ट्रैवल, घूमना फिरना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना. ये सब छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ बनी हैं और इनमें कहीं ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. अगर ये भी यहाँ चल रहा है एंड यू आर डूइंग इट माई डियर, तो बाकी सारे पॉइंट्स जहाँ पे इशू था दे कैन गेट रिजॉल्व, क्योंकि ग्रेजुअली रिस्पेक्ट बनने लगती है एंड देयर यू गो. आपको पता है वो पांच चीज़ें क्या हैं जो आप एक रिलेशन में ढूंढें, एक अच्छी शादी में ढूंढें, के पार्टनर में ढूंढें, ताकि ये एक सक्सेसफुल रिलेशन बन सके, आपका जो रिलेशनशिप है वो शादी तक जा सके. और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये एक अच्छी शादी के साइंस हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए वो कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप हैं, कोई कंफ्यूजन है, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ही अकेले रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. लेट्स टॉक इट आउट, लेट्स सी. बुक अ प्राइवेट काउंसलिंग सेशन, टैरो सेशन, जैसा भी आप चाहें विद मी एंड लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. वीडियो का पार्ट टू भी आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आई विल मेक पार्ट टू. तो मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब इस वीडियो से मिलने चाहिए ताकि मैं दूसरा पार्ट भी बना सकूं. मिलते हैं, बाय.